हेलो गाइज, स्वागत करते हैं आज का आपकी एक और नई और ताज़ा वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आज के मैच के बारे में जो कि आज शाम को खेला जाए 7:30 बजे आरसीबी वर्सेस डीसी के बारे में। तो आपको आगे बढ़ने से मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देता चलूँ तो आप शुरू वाली इन्फॉर्मेशन को सारा का सारा पढ़ लेना क्योंकि वह बेहद ज़रूरी होती है हर खिलाड़ी के लिए, हर प्लेयर के लिए। तो गाइज आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका आज के दिन कौन से खिलाड़ियों का ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा राशि और ग्रहों के अनुसार। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं आरसीबी के बारे में। आज हम आपको साथ साथ बता देंगे कि आपको कौन अच्छा खेलते हुए दिखेंगे, कौन अच्छा नहीं खेलते हुए दिखेंगे। तो गाइज आपको दिन आज के दिन आरसीबी की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला चलने को देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ आपको दिनेश कार्तिक की भी अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ एम ब्रेसवेल का भी लगभग आपको आज के दिन बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा एम ब्रेसवेल का। और इसी के साथ साथ इनके अगले खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन हसरंगा, डब्लू हसरंगा का भी आपको आज के दिन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा राशि और ग्रहों के अनुसार। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में, वो है दिल्ली। दिल्ली की तरफ से आज के दिन दो मैच थे इसीलिए जितनी जानकारी मैं आपके लिए ला पाया उतना ही बता रहा हूँ। आज के दिन आपको पृथ्वी शाह के आंकड़े आज के दिन मध्य से ज़्यादा के बने हुए हैं डीसी की तरफ से। इसी के साथ साथ पी सोल्ट के भी आज के दिन लगभग मध्य से ज़्यादा के आंकड़े बने हुए हैं। दोनों खिलाड़ियों का मुझे पता है, ज़्यादा नहीं पता लेकिन जितना भी पता है मैं आपको बता रहा हूँ। पी सोल्ट और पृथ्वी शो दोनों के आंकड़े आज इनकी राशि लगभग एक जैसी कह रही है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन जितना भी पता है मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। तो गाइज चलो अब हम बात कर लेते हैं आपको आरसीबी की तरफ से आज के दिन कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हुए नहीं दिखाई देगा। तो गाइज आज के दिन विराट कोहली के मध्य से कम के आंकड़े बने हुए हैं आज के दिन राशि और ग्रहों के अनुसार और इसी के साथ साथ मोहम्मद सिराज के भी मध्य से कम के आंकड़े बने हुए हैं आज के दिन। ये दोनों खिलाड़ियों का हम आज के बारे में इतनी ही जानकारी ले पाए। चलो अब हम बात कर लेते हैं डीसी के बारे में। दिल्ली की तरफ से आपको किस खिलाड़ी का लगभग ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइज जिन दिल्ली की तरफ से हमने ज़्यादा वो नहीं कर पाए दिल्ली की तरफ से आपको, हाँ ईशांत शर्मा, आज के दिन ईशांत शर्मा का लगभग मध्य प्रदर्शन हो सकता है और मध्य से कम का भी हो सकता है लेकिन इनकी टीम के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता क्योंकि आज के दिन दो मैच थे। इसी के साथ साथ हम कम ही प्लेयरों के बारे में बता पाएँ। इसी के साथ साथ इनके अगले खिलाड़ी हैं अमन खान जो कि पिछले मैच में बहुत ही अच्छा खेल के गए थे लेकिन आज के दिन के इनके नए आंकड़े मध्य से कम खेल के जाएंगे। आज के दिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं करके जा पाएंगे, आज के दिन इनका आंकड़े मध्य से कम के बने हुए हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये सभी का सभी प्रेडिक्शन ज्योतिष के अनुसार है, ये कोई भी मैच के हिसाब से नहीं है गाइस। ये सारा का सारा प्रेडिक्शन उस ज्योतिष के अनुसार, ग्राउंड के अनुसार और पिच के अनुसार नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इसी के साथ साथ गाइस धन्यवाद।